मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है, कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी करो। कबीर साहब और रानी इंदुमती के प्रसंग से समझाया गुरु की महिमा को। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मानव जीवन में गुरु की महिमा समझाते हुए इस समय के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में दिए वार यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर प्रसारित संदेश में बताया कि नए आए प्रेमियों को नाम दान देना है, इसलिए अभी केवल मोटी बात बताऊंगा। यह मनुष्य शरीर आपको भगवान का भजन करने के लिए थोड़े दिनों के लिए मिला है। यहाँ की कोई चीज काम नहीं आएगी, इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी बनाओ। कर्मों को काटने के लिए सेवा का विधान संतों ने बनाया। बाहर से मनुष्य शरीर में होने पर गुरु को लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन गुरु की असली पहचान तो अंतर में जलवा देखने पर होती है। महाराज जी ने बताया कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करो, उनकी रजा में राजी रहो, वो ही आपके लिए फायदेमंद है। आप भी सुनिए कबीर साहब और रानी इंदुमती का ये महत्वपूर्ण प्रसंग। आप ये समझो प्रेम कि आपको अभी जो नए लोग आए हो नामदान भी देना है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोटी बात आपको तो ये बताऊँगा ही कि देखो, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है भगवान के भजन के लिए मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, इसको एक दिन आपको न चाहते हुए भी खाली कर देना पड़ेगा। इनके इस शरीर के यानी इंतजाम के लिए, सुख के लिए जो भी सामान आप इकट्ठा कर रहे हो, यह सब आपके आखिरी वक्त में काम आने वाला नहीं है, इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी बनाओ, वहाँ के लिए बनाओ। आप देखो यानी समझो शरीर से, यानी समझो कि सेवा करते हो जो पुराने सत्संगी हो, ये सेवा का विधान संतों ने ही बनाया। संत आते हैं, समझाते, बताते हैं, कराते हैं, रास्ता भी बताते हैं और रास्ते पर खड़ा करके मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे गुरु महाराज थे, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और पहुंचाया। रहते इसी मनुष्य शरीर में, हर मनुष्य के ही शरीर में रहते हैं, जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। हर मनुष्य अंतर में जलवा जब तक कोई नहीं देखता है तब तक पहचान नहीं होती। रानी इंदुमती ने देखा कबीर साहब का जलवा, तब बोली कि आप हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताए कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर हमको आप मृतलोक में बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी साधना क्यों करनी पड़ती, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर यह जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम नहीं चल सकती थी, ना समाज में चल सकती थी, ना मृतलोक के किसी भी दुनिया स्थान में चल सकती थी, और ऊपर तो कदम कदम पर रोड़े आते रहे, लेकिन आपको मैं याद करती रही, बाधाएं हटती रही। आपकी दया तो महान है, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इसीलिए कहा गया धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन राज, सात समुद्र में मश करूं, गुरगुण लिखा न जाए, जितनी धरती है कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ हैं कलम बना दिया जाए, यानी धरती को कागज बना दिया जाए, पेड़ को कलम बना दिया जाए, समुद्र में स्याही घोल दी जाए, लेकिन गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। तो प्रेमियों, जो आप गुरु महाराज के भक्त हो, आपको विश्वास करना चाहिए, जैसा गुरु कहें उसी में राजी रहना चाहिए, वही फायदेमंद होता है।